हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर वर्कल पॉइंट। मैं सोनू गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सपोज करो कि आपको आर्कियोलॉजी किताबें चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर में या ग्रेजुएशन में या फिर आप आगे की और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको किताबें तो चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम किताब खरीदेंगे तो आपको चीज़ें महंगी पड़ेंगी। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक लोकेशन है जहाँ से कि आपको सेकेंड हैंड किताबें काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगी, पर उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके ठीक सामने जो है किताबों का बहुत बड़ा, मतलब एक मार्केट है। बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी छोटा सा ही है, पर बहुत सारी किताबें वहाँ पे हैं जो कि आर्कियोलॉजी किताबें। मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारी हैं। तो अगर आप किताब बाई करना चाहते हो अभी बहुत कम रेट में, तो आप वहाँ जा करके चीज़ों को आप वहाँ से बाई कर सकते हो। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि वो ट्रिक क्या है, कैसे आप जो है कि किताब को खरीदेंगे, उस दुकानदार से जिससे आप बात करते हैं कैसे आपको उससे बात करना है। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कैसे बाई करते हैं, लेकिन एक ट्रिक मैं आपसे करने वाला हूँ और आपके दिमाग में उसको रखना है जब आप किताब को बाई कर रहे हो, खासकर सेकेंड हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जब आप दुकानदार के पास जाओगे तो आप उसको ये बोलोगे कि मुझे किताब पसंद है और ये कितने का आप देंगे, तो वो जाहिर सी बात है बोलेगा 500, 300, 200, जो भी उसका रेट होगा वो आप रेट आपको बताएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जितना भी वो बोले आपको उसका फोर्थ कम बोलना है। मतलब अगर वो 200 बता रहा है तो आपको बोलना है कि मुझे 25 रुपये का चाहिए या 50 रुपये का चाहिए। और आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी आपको दुकानदार को ये एहसास नहीं कराना है कि आपको वो बुक पसंद आ गया है। अगर दुकानदार को पता चला कि आपको किताब पसंद आ गया है तो उसमें कुछ भी कंसेशन होने वाला नहीं है, इतना आप मान के चलना। आपको किताब की बुराई करनी है उस वक्त उसके सामने। जैसे मान लो कोई किताब है, आपको बोलना है यार ये किसी काम का नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, मतलब ऐसे आपको बोलना है जैसे आपको लेना ही नहीं है, मगर आपको उसका भाव करते रहना है, ठीक है। कितने में पढ़ सकता है, कम से कम कितने में पढ़ सकता है। जैसे मैंने किताब जो है कि कला और आर्कियोलॉजी किताब है केसी श्रीवास्तव की, वो किताब मैंने जो है कि 50 रुपये का लिया, राइट, 50 रुपीज़ का मैंने उस किताब को लिया। तो मैंने उसको कैसे लिया, तो वही मैंने उससे बात की, भाई ये फट चुका है, किसी काम का नहीं है, और आपको दिखाना है कि आपको चाहिए नहीं, मतलब एकदम आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये दिखाएंगे आपको उसमें इंटरेस्ट है तो फिर उसका रेट कम नहीं होगा। और आर्कियोलॉजी के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बहुत कम है, ठीक है। तो ऑलरेडी उनके पास जो किताबें होती हैं उनको पूछने वाले भी बहुत कम है, तो उनकी भी मजबूरी ये होती है कि अगर आर्कियोलॉजी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको वो किताब दे दें किसी भी रेट में। और ये मैंने नोटिस किया है, तभी मैं नोटिस किया है कि, और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 2000 किताब 100-100 रुपये में, 50-50 रुपये में मिल जाती हैं, लेकिन आपको लेने आना चाहिए। कभी भी आपको दुकानदार को ये क्लियर नहीं करना है किताब आपको पसंद आ गया है। आप जो है रेट अपना लगाओ और लगा के दुकान से निकल जाओ। अगर दुकानदार आपको बुला रहा है तो आप समझ जाओ कि उसको पढ़ रहा है और वो आपको देने वाला है। वो लास्ट में आपको बोलेगा कि नहीं इतने इतने का पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपने रेट पे टिके रहना है, जो आपने बोल दिया बोल दिया। अगर 200 किताब है तो 50 रुपये की आपको मिल जानी चाहिए, अगर वो 200 बोल रहे हैं तो। मैक्सिमम आप किताब के अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको लग रहा है किताब 500 की है, अगर 100 मिल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, 125 मिल रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कैसे बाई करें। अगर आप किसी इंसान को बता दोगे कि नहीं मुझे पसंद आ गया, तो फिर तो वो काम खत्म आपका हो गया। इसी तरीके से साड़ी दुकान पर जाएं या फिर कहीं भी जाएं, तो आपको कभी ये क्लियर नहीं करना दुकानदार को कि आपको चीज़ें पसंद आ गई हैं। जो ही आप चीज़ें पसंद करेंगे उसका रेट बढ़ जाता है, इसको आप नोट कर लेना। और ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, जब किसी एक इंसान को कोई और इंसान पसंद आता है और उसको मालूम होता है कि बंदा मेरे को लाइक करता है या बंदी मेरे को लाइक करती है, तो इंसान वाले का भाव बढ़ जाता है अपने आप, 10वीं में दुकानदार का भाव बढ़ जाता है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।